पार्ट की नर्वसनेस वो हैप्पी वाला है, पॉजिटिव वाला है कि बहुत कुछ डिफरेंट किया है, अब लोगों को अच्छा लगेगा एंड वो मतलब वही वो हैप्पीनेस वाला है बट पॉजिटिव वाला. बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और डबल है क्योंकि मुझे पता है कि हमने जो मेहनत की है और जो जो किया है वो एज एन ऑडियंस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए, इसलिए आई एम श्योर कि लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा. आई हैव केप्ट इट अ वेरी आई मीन एलिगेंट एंड अ वेरी क्लासी वे सो दैट पीपल आई मीन बिकॉज ऑब्वियसली एक चेंज लाना था कैरेक्टर में भी, लुक्स में भी और सब में. सो इन अ एलिगेंट इन अ डिसेंट वे इन अ क्लासी वे आई हैव चेंज्ड माई लुक टू अ लिटिल ग्लैमरस साइड. एंड ऑब्वियसली जो महक की साड़ी लुक है वो सबको बहुत पसंद था सीज़न वन में, इसलिए सीज़न टू में भी साड़ी में भी है. बट इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ दिस एंड दैट. सेकेंड सीज़न है तो महक के किरदार में क्या कुछ नए चैलेंजेस हैं, क्या कुछ नया महक हमेशा से बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है मेरे लिए और मैंने बहुत साल बाद टीवी में फिक्शन किया जो कि देव है. सो यू कैन इमेजिन कि कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा वो चीज़. और मैं तभी भी सबको बोल रही थी हमारे सीज़न वन से पहले कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि जब लोगों ने देखा तब पता चला लोगों को, तब समझ में आया. सो इस बार भी आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इट्स डिफरेंट, आई मीन इट्स वन लेवल अप from what last season was. And all of our characters have become more complicated and more intense. और महक तो already इतनी complicated character है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसके और complications बढ़ गए. But as a person also it becomes very difficult to play a character like this. It's very intense, मतलब too intense it is. जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी टाइम बाद आपने फिक्शन किया था और बीच में आपने कुछ फिल्में भी की हैं, तो आप किस में ज़्यादा एंजॉय करती हैं? मैं अच्छा काम करने में बहुत इन्जॉय करती हूँ. आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं आई वॉन्ट स्टिक टू दिस और आई वॉन्ट स्टिक टू दैट. मेरे को काफ़ी फिल्में की फिल्मों के लिए भी ऑफ़र आए थे और काफ़ी टीवी के लिए भी, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे शायद उतना इंटरेस्ट नहीं किया चीज़ों ने. पर जो भी मैं करती हूँ आई मेक श्योर दैट आई वर्क फॉर माई हैप्पीनेस, माई सेटिस्फैक्शन एज एन एक्टर. एंड दिस इज़ वन शो विच आई एम लाइक so far is the best character I have played in my life. So season 2 ke promos dekhe, Kunal ne kya kaha? कुणाल तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा है मेरे हर एक चीज़ को लेके, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी. एंड ही इज़ द वन हु कीप्स बूस्टिंग मी. कभी मैं अपसेट भी हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेके प्रोफेशनली, तो ही इज़ द वन हु इंस्पायर्स मी, एनकरेजेस मी. सो बहुत अच्छा लगा. ऑब्वियसली वी आई मीन ऑल माई फैमिली इंक्लूडिंग हिम आर वेटिंग फॉर द शो टू कम. आपके फैंस आपकी शादी का भी वेट कर रहे हैं कि हो चुकी है? जी जी जी, लास्ट ईयर एंगेजमेंट हो चुकी है और आई थिंक नेक्स्ट ईयर हमारी शादी की मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं, बट अभी तक ऑब्वियसली वी हैव नॉट फिक्स द डेट. वंस वी डू इट आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो. फैंस नहीं है मेरे फ्रेंड्स हैं एंड आई लव देम एंड दे लव मी. एंड आई थिंक फर्स्टली थैंक यू, इतना आपने वेट किया सीजन वन के बाद सीजन टू आने का. और सेकेंडली सीजन टू में आपको जितना आपने वेट किया दैट विल बी वर्थ इट. सो प्लीज़ मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 25 जून वॉच देव सीजन टू ऑन ओनली कलर्स एंड एट 10:30 PM इन द नाइट. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू. जैसे फर्स्ट सीजन में होल्ड ऑन किया, ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था ये शो. चैनल ने खुद कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट है और हम बस अपना 100%. सो देव टू मतलब एक नया मतलब न्यू सीजन आ गया है और कितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है मुझे, क्योंकि पहला सीज़न अच्छा कर गया तब एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन चैनल ने कहा है ये सीज़न भी एक एक्सपेरिमेंट है. तो तभी टेंशन सा हो गया था, एक्सपेक्टेशंस तब दब गई थी बिकॉज कहा गया था ये एक्सपेरिमेंट है. तो आई वॉज लाइक ओके चलो लेट्स जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए. बट अब बनने के बाद जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है सारे रिसर्च टीम के, दिस शो इज आई मीन दिस सीज़न इज़ बेटर देन द फर्स्ट सीज़न, तो वहीं पर एक कम्फर्ट फैक्टर आ गया है. और लगे हाथ चैनल हैज सेड नॉट टू वरी अबाउट TRP, क्योंकि ये शो TRP के लिए नहीं बनी जा रही है. तो सब जगह से एक कंफर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि ये शो को कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है एंड स्पेशली ये चैनल बहुत सपोर्टिव हो रहा है. एंड आई रिस्पेक्ट एंड थैंक द चैनल कलर्स फॉर हैविंग दिस शो मेड, क्योंकि ये दिखाता है कि वो एक्चुअली ये दौर बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं. तो कितना
बदलाव हुआ है इसमें कहानी को लेकर, खासतौर से और देव के कैरेक्टर को? अब कहानी वहीं से कंटिन्यू होगी लेकिन ऑडियंस पूरी नहीं है, दैट्स व्हाई जैसे ये कहानी को प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक स्टार्ट ऑफ अ स्टोरी है, तो आपको खाली ऐसे दिखेगा कि एक प्रिल्यूड है लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होगा कि फर्स्ट सीजन में ऐसा हुआ था. ऑफ कोर्स सबके स्टोरीज आगे आगे लिए जा रहे हैं कि महक मीरा का जो डेथ हुआ, शुमोना का जो कैरेक्टर था, या जोरा आपा वो अब कहाँ है, तो एवरीथिंग इज़ टेकन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, लेकिन इट्स मेड फॉर द न्यू ऑडियंस और उसको एक ऐसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आप रियलाइज़ करोगे कि पहला सीज़न था उसमें ऐसा हुआ था और कैरेक्टर्स वहाँ से इवॉल्व हुए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारे चेंज हुए लोगों के, और फॉर्मेट भी चेंज हुआ है. अब हाफ एन आ का तो एक हफ्ते में एक क्राइम देखेंगे, ना कि सिर्फ एक दिन में. इट्स ऑल डिज़ाइंड फॉर दैट. लास्टली एक और न्यू एडिशन है जिज्ञासा, सो उनका कैरेक्टर किस तरह से मतलब तीनों के साथ मिलेगा जो? सो जिज्ञासा एक बहुत ही क्यूट बबली लड़की जो आ गई है देव के लाइफ में, उसकी फ़ैन है, क्रिमिनोलॉजी स्टडी की है उसने और बहुत यंग है, लेकिन उसका सबसे बड़ा मतलब आइकॉन आइडल देव है. आई फील व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत रिलीफ लाती है. एक ये ऑफकोर्स नेचुरली बहुत ही हैवी बहुत ही इंटेंस शो है, बट शी इज़ द लाइटर कैरेक्टर, वो मुस्कुराहट लाती है ये शो देखते देखते. थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग सीजन वन. मैं सारे फैंस को ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने लाइक किया, पसंद किया और हम लोगों को एक मौका दिया कि हम सीज़न टू बनाए देव के लिए. सो थैंक यू के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी डाल देता हूँ, प्लीज़ ये सीज़न देखिएगा, सीज़न टू जो 25 जून से 10:30 बजे कलर्स टीवी पर शुरू हो रहा है, एंड एन्जॉय इट. Very excited. I think viewers जितने excited नहीं हम सबको देखने के लिए, but I'm so excited to see myself on screen and मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको जितना wait कराया है उसका कम बैक मैं आपको अच्छी तरह दे पाऊँ. So Dev 2 है, Dev. Right. I have now second season, तो कितना कुछ बदला है, even your character भी add हो गया. राइट वो सारे कैरेक्टर्स सेम हैं एंड जो स्टोरी चल रही थी वो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो रही है यहाँ पर भी, वहीं से शुरुआत हो रही है जहाँ से एंड हुआ था सीज़न वन में. सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक मेरा इकलौता कैरेक्टर है जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस शो में, एंड मुझे पता था कि काफ़ी सारी यू नो प्रेशर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट आई एम रियली हैप्पी कि प्रोड्यूसर्स ने, चैनल ने, सब ने इतना सोचा दैट आई कैन डू दिस रोल, बिकॉज थपकी वॉज पोल्स अपार्ट यू नो विद टू ध्वनि. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील प्राउड अबाउट एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच माई सेल्फ की हाउ आई हैव डन. सो बेसिकली माई कैरेक्टर नेम इज़ ध्वनि कर्चीवाला एंड मैं एक बैरिस्टर जज की बेटी हूँ, क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर चुकी हूँ. सो ऑलरेडी मुझे काफ़ी कीन इंटरेस्ट है क्राइम चीज़ों में, क्राइम बेस्ड यू नो आई वांट टू सॉल्व थिंग्स एंड क्या सिचुएशंस होती हैं कि फाइनली मैं देव के साथ काम करने लगती हूँ, इंटर्न बन जाती हूँ एंड आई लुक अप टू देव, आई रियली एडमायर हिज वर्क. मैं काफ़ी ऐसे अमेज हो जाती हूँ कि ओ माई गॉड ये कैसे कर लिया. आई एम लर्निंग स्टिल, बट एक ये जर्नी है कि कैसे वो इतनी बबली एकदम चुलबुली सी लड़की एकदम यू नो कहीं ना कहीं केसेस सॉल्व करने लगती है, कैसे ग्रो करती है. सो या इट्स ऑल अबाउट दैट. राइट अभी मैं रो भी नहीं रही हूँ एंड फाइनली साड़ी सूट्स नहीं है. शी इज़ अ साउथ मुंबई गर्ल एंड प्रॉपर अर्बन कैरेक्टर है. आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई लुक डेली, सो आई एम द ओनली कैरेक्टर इन द शो हू कैन डू एनीथिंग एंड वेयर एनीथिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अलग अलग जगह शूट हो रहा है, एक ही जगह पर नहीं हम शूट करते हैं, बहुत ही कभी बीच पे शूट करते हैं, कभी कहीं शूट करते हैं. आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ कि ऐसा चीज़ें भी हो सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं. फाइनली शो इज़ लॉन्चिंग ऑन माई बर्थडे, दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट आई गेस. ये आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे कि उस दिन लॉन्च होगा, विल सी आर सेल्फ ऑन टेलीविजन, आई एम सेलिब्रेटिंग यू नो दैट डे, अपनी फैमिली के साथ होंगी मैं, ऑल टुगेदर यहाँ पर भी आऊँगी, सबके साथ देखूँगी मिलकर हमारा शो. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील ये लोगों का प्यार है एंड सबकी ब्लेसिंग्स हैं कि ये सब पॉसिबल हो पाया है. आई थिंक विदाउट देम वी आर नथिंग. थैंक यू.
तो वेव टू वेव वन काफ़ी अच्छा रहा, और वेव टू कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? देव टू से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि देव वन लोगों ने बहुत पसंद किया एंड विद इन एन ईयर हम सेकेंड सीज़न लेके आ गए हैं. एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि पहले दो बार आता था, अब हफ्ते में चार बार आने वाला है. सो एवरीथिंग इज़ एम्पलीफाइड एंड सो इज़ द एक्साइटमेंट एंड द स्टोरीज एंड द एंटरटेनमेंट. लाइक आई सेड, इस बार बहुत ज़्यादा थ्रिल है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है. सबके कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है. लाइक इंस्पेक्टर अमोद नार्वेकर, आप देखेंगे कि इस बार इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल किया गया है, बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है. कुछ और शेड्स ऐड किए गए हैं, लाइक अ वेरी सटल रोमांस हैज़ बीन एडेड टू अमोद नार्वेकर. नार्वेकर और देव की नोकझोंक को बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा इस बार. तो जो दो लोग एक दूसरे को 5 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें कई घंटों तक साथ में काम करना होगा अलग अलग केसेस पे. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बार की डायलॉग डिलीवरी एंड द रिटन डायलॉग्स. बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे कि दिस अ डायलॉग ऑफ नार्वेकर वेरी सेज दैट पूरा मुंबई शहर जानता है कि अमोद नार्वेकर के वर्दी पर कोई दाग नहीं है, और अगर इस पर कभी कोई दाग लगेगा तो वो होगा सिर्फ मेरे खून का. एंड सो दैट्स अबाउट इट मैन. सेट पे बहुत लाइट एंड अच्छा माहौल है. इट्स ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन पीपल. जिज्ञासा हैज़ एडेड अ लॉट ऑफ क्यूटनेस एंड अ लॉट ऑफ लाइटनेस एंड कलर टू द शो. हम सब ब्लैक एंड वाइट में स्टर्न गुस्से वाले लोग थे, उसके बीच में एक प्यारी सी लड़की आ गई है जिसने अपना ही एक अलग कलर ऐड किया है. और नाउ देव हैज़ बिकम अ फुल लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स. मेहनत पहले से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज नाउ नार्वेकर हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम द नॉर्मल पुलिस फोर्स टू द क्राइम ब्रांच. तो नाउ ही वर्क्स फॉर द क्राइम ब्रांच. तो लुक चेंज हो गया है, आपको इसे पुलिस यूनिफॉर्म के अलावा ये सिविल क्लोथ्स में भी देखने मिलेगा. एंड स्टोरीज़ बहुत फास्ट हैं, हफ्ते में चार बार हैं. तो जो स्टोरीज़ के लिए भी जो एक्टर्स को लिया गया है, बहुत अच्छे एक्टर्स लिए गए हैं. सो फ्रॉम हम अभी तक काफ़ी कुछ शूट कर चुके हैं पिछले दो ढाई महीने में, और एज एन एक्टर एंड एज अ व्यूअर मैं खुद ये शो देखना चाहता हूँ. तो मुझे पता है कि इस बार का एंटरटेनमेंट क्वेश्चन बहुत हाई है. मैसेज टू माई फैंस इज थैंक यू फ्रॉम माई द बॉटम ऑफ माई हार्ट फर्स्ट फॉर लविंग अस एंड लाइकिंग अस इन देव वन एंड गेटिंग अस बैक इन देव टू. प्लीज़ वॉच इट मोर, लव अस मोर एंड जस्ट स्प्रेड द वर्ड एंड वॉच देव टू फ्रॉम कमिंग मंडे टू थर्सडे 10:30 PM ऑन कलर्स. थैंक यू.